हेलो एवरीवन, दिस इज अविजय एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरस्वती विद्या पाठशाला। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। फ्रेंड्स, आज हम अपनी ग्राफिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। तो प्रश्न नंबर 111, इसमें क्या कहा गया है? ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की? ग्रिसेल्डा पुलोक ने निम्न में से किसकी रचना की? ऑप्शन दिए गए हैं विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट, इसकी या द स्टोरी ऑफ आर्ट या मीनिंग इन द विजुअल आर्ट या फिर विजन एंड डिज़ाइन। इनमें से ग्रिसेल्डा पुलोक ने किसकी रचना की है? तो हम आपको बता दें कि विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट, इसकी रचना जो है ग्रिसेल्डा पुलोक ने की है। ठीक है, जो ग्रिसेल्डा पुलोक हैं उनका जन्म कब हुआ था? 11 मार्च को हुआ था और 1949, ठीक है, 11 मार्च 1949 को साउथ अफ्रीका, कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, और 11 मार्च को हुआ था। और इन्होंने ही विजन एंड डिफरेंस, फेमिनिज्म, फेमिनिटी एंड द हिस्ट्रीज ऑफ आर्ट पुस्तक लिखी है। इन्होंने अपनी कला की जो शिक्षा है कनाडा, अमेरिका तथा यूरोप में ली थी और इनकी कला की ही यही पुस्तक है। ठीक है, अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ आर्ट। द स्टोरी ऑफ आर्ट पुस्तक जो है वो ई एच गॉम्ब्रिज, ठीक है, E.H. गॉम्ब्रिज इनकी है ये पुस्तक। ठीक, द स्टोरी ऑफ आर्ट किसकी है? E.H. गॉम्ब्रिज की है। मीनिंग इन द विजुअल आर्ट, मीनिंग इन द विजुअल आर्ट जो है एरविन पेनोफ्स्की। तो फ्रेंड्स, आप इन सबको भी देखिए, कोई सा भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मीनिंग इन द विजुअल आर्ट पुस्तक के लेखक, जो पुस्तक की रचना है वो किसने की है? एरविन पेनोफ्स्की ने की है। लास्ट है विजन एंड डिज़ाइन। विजन एंड डिज़ाइन जो है वो रोजर फ्राई की है। रोजर फ्राई नाम आपने सुना भी होगा, रोजर फ्राई की ये बुक है विजन एंड डिज़ाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है, इश्तहार पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? ठीक है, मतलब पोस्टर कला के लिए पहला जो संग्रहालय था वो किस देश के पास है, पहला संग्रहालय किस देश के पास है वो बताना है, उस देश का नाम बताना है। ठीक है, तो क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर जो होगा वो पोलैंड है। ठीक है, जो पोस्टर कला के लिए पहला संग्रहालय है वो पोलैंड के पास है। ठीक है, तो इश्तहार पोस्टर कला के लिए विश्व का पहला संग्रहालय पोलैंड में है और यह दुनिया में अपनी तरह का एक पहला प्रथम संग्रहालय है। पोस्टर कला का यह सबसे अच्छा सेट माना जाता है। ठीक है, पोलैंड में इसका संग्रहालय है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और मोस्टली ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो डेविड ओगिलवी, जैक ट्राउट, सुजैन जिलेट या अलेक पदमसी। ठीक है, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक बताना है कि आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो जो आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में जाने जाते हैं वे डेविड ओगिलवी जाने जाते हैं। ठीक है, डेविड ओगिलवी जो है इनका जन्म 23 जून 1911 में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। इनकी प्रमुख पुस्तक, इनकी जो फेमस बुक है वो कौन सी है? ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। ठीक है,
तो जो इनकी पुस्तक है वो है ओगिलवी ऑन एडवर्टाइजिंग, कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन। तो पुस्तक का नाम भी पूछ सकते हैं, बुक का नाम भी पूछ सकते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था 23 जून 1911 में हुआ था, और आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम जिसको द कॉपीराइट एक्ट भी बोलते हैं, किस वर्ष से लागू हुआ? ठीक है, तो जो कॉपीराइट एक्ट है ये 1957 से लागू हुआ था, ठीक है। और ये एक बौद्धिक संपदा का एक रूप है, जो मतलब इसमें क्या होता है, अगर हम किसी की कोई चीज, किसी ने कुछ लिखा है, किसी का अपना वॉलपेपर है, किसी की अपनी कोई राइटिंग्स है, कोई शेर व शायरी है, कोई पुस्तक ही है, और अगर हम उसमें से कुछ भी लेते हैं और हम उसको अपनी बनाकर डालते हैं तो उस पर कॉपीराइट लग जाता है, ठीक है। तो ये कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1957 में लागू हुआ था, ठीक है। तो ये जो है एक मूल कृति के लेखक, प्रकाशक एवं वितरण को निश्चित समय अवधि के लिए एक विशेष अधिकार देता है, ये कौन? कॉपीराइट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित को मैच करना है, सुमेलित कीजिए, लूटो, ग्रॉग, गोज, बुश, चिजेल, ठीक है। तो इनको हमें सामने स्टोन कार्विंग, सेरामिक्स, ब्रॉज कास्टिंग और वुड कार्विंग, इनसे मैच करना है, ठीक है। तो अब जो लूटो है, लूटो का प्रयोग किस में होता है? लूटो का यूज ब्रॉन्ज कास्टिंग में होता है, ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक है। और ग्रॉग का यूज सेरामिक्स में होता है, ठीक है। और गॉज का जो यूज होगा वो वुड कार्विंग में होता है। मैंने आपको वुड कार्विंग बताया था, उसमें गॉज का यूज था, ठीक है, तो वुड कार्विंग में होता है, ठीक। अब बुश चिजेल जो है, बुश चिजेल का यूज जो है वो स्टोन कार्विंग में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसमें क्या है, लूटो का ब्रॉन्ज कास्टिंग, ठीक है, ग्रॉग का सेरामिक्स, गॉज का जो है वुड कार्विंग, और बुश चिजेल का स्टोन कार्विंग, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर 116 है, टैग लाइन को यह भी कहा जाता है, टैग लाइन, जैसे अभी हमने अपनी पहली वीडियोस थी उनमें बताया था बैंक्स की टैगलाइंस, कि बैंक के टैगलाइन क्या है ना, वे बताई थी। तो उन टैगलाइंस को, है ना, जो टैगलाइंस होती है उनको क्या कहा जाता है, उनका दूसरा नाम क्या है, जॉलाइन, पंचलाइन, फिक्स लाइन या थिन लाइन, ठीक है। तो जो टैगलाइन होती हैं उनको हम पंचलाइन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पंचलाइन के नाम से भी टैगलाइन को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैंक की पंचलाइन बताइए, तो पंचलाइन में कंफ्यूज मत होइए, पंचलाइन टैगलाइन ही होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 है, स्वॉट एनालिसिस की प्रशंसा निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस, जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो क्या होता है, ठीक है, मतलब स्वॉट विश्लेषण जो होता है, ये एक व्यावसायिक उद्यम में शामिल होता है, ठीक है। उसमें क्या है, शक्तियों, कमजोरियों, अवसरों और खतरों पर प्रकाश डालने, है ना, और उन्हें पहचान करने के लिए ये उपयोग में आता है, ये विकास के लिए क्षेत्रों की पहचान करने के रूप में भी उपयोगी होता है, ठीक है। अब अभियान नियोजन, जनसंपर्क, मुनाफाकारी प्रदर्शन या विपणन विश्लेषण, विपणन विश्लेषण जो है, विपणन विश्लेषण किसमें होता है, व्यवसाय में ही होता है, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस का अभी हमने बताया था कि ये व्यवसायिक उद्यम में शामिल होता है, ठीक है। तो स्वॉट एनालिसिस की प्रशंसा जो है वो निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में की जाती है, विपणन विश्लेषण के, ठीक है, किसके संदर्भ में की जाती है, विपणन विश्लेषण के संदर्भ में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री बढ़ाने का एक उपाय है, ठीक है, मतलब बिक्री बढ़ाने का एक उपाय हमें बताना है, सेलिंग का, ठीक। तो उसमें मीडिया मिक्स, मीडिया के द्वारा अच्छा एक उपाय है, भाई मीडिया से भी होता है लेकिन हमें बेटर वाला बताना है, ठीक है। मनी रिफंड ऑफर, उपभोक्ता प्रमोशन या बाजार खंडीकरण, ठीक है। तो जो मनी रिफंड ऑफर होता है वो एक सबसे बिक्री बढ़ाने का एक बेस्ट उपाय है। सपोज हमारा कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई कमी है, ठीक, तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हमें क्या है, मनी रिफंड हमारी हो जाएगी, ठीक। तो बिक्री बढ़ाने का एक उपाय क्या है, मनी रिफंड ऑफर, ठीक।
तो कंपनीज क्या है, कंपनीज अपनी प्रोडक्ट को जब सेल करती है तो इसके लिए एक मनी रिफंड ऑफर करती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है तो हम उसका मनी रिफंड ऑफर हम उसको मनी रिफंड कर देंगे। ठीक, तो बिक्री बढ़ाने का सबसे अच्छा एक उपाय है मनी रिफंड ऑफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 119 मैचिंग है, तो बैनर एडवर्टाइजिंग, सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन कला के जनक और डायरेक्ट प्रिंटिंग, इनका मैच करना है हमें इनसे, मैगजीन, डेविड ओगिलवी, लेटर प्रेस प्रिंटिंग या वेब पेज। ठीक है, अब बैनर एडवर्टाइजिंग, बैनर एडवर्टाइजिंग जो है वो किसका है, वेब पेज का। आपने देखा होगा इंटरनेट वगैरह पे या कहीं पर भी ऊपर की लाइंस में ऐसे करके एडवर्टाइजिंग आती है, या नीचे भी आती है, या साइड में भी आती है एडवर्टाइजिंग। तो वे क्या हैं, वे बैनर एडवर्टाइजिंग है और वे वेब पेज पर होती है। ठीक है, इसके बाद है सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग जो है वो कहाँ होती है, मैगजीन में होती है, मैगजीन का जो कवर पेज होता है उस पर। ठीक है, सेंटर पेज एडवर्टाइजिंग। फिर विज्ञापन कला के जनक, ये अभी बताया था आपको, डेविड ओगिलवी है। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंटिंग किससे है, लेटर प्रेस प्रिंटिंग। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है, समाचार पत्र, डबल स्प्रेड एड, पैकेजिंग, सैंडविच बोर्ड। ठीक है, ये दे दिया साइड में, इनसे मैच करना है ब्रांड नेम, गटर स्पेस, आउटडोर विज्ञापन या मैगजीन। ठीक है, अब देखिए, तो जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र जो है उसका मैचिंग किससे होगा, गटर स्पेस से होगा। ठीक है, किससे होगा, गटर। ठीक है, डबल स्प्रेड एड, डबल स्प्रेड एड का है मैगजीन। ठीक है, जो डबल स्प्रेड एड होगी वो मैगजीन पर होती है। ठीक है, प्रिंट और पैकेजिंग, पैकेजिंग का है ब्रांड नेम, किसी भी चीज़ की पैकेजिंग पर क्या उसका ब्रांड नेम होता है। और सैंडविच बोर्ड क्या है, सैंडविच बोर्ड एक आउटडोर विज्ञापन है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 121 मैचिंग है ये भी, ट्रांजिट, टेलीविजन, डायरेक्ट मेल, पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक, इनको मैच करना है इंडोर मीडिया, आउटडोर मीडिया, हैंगिंग्स या मेल द्वारा। ठीक है, तो ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट किससे होगा, ट्रांजिट का है आउटडोर मीडिया। ठीक है, टेलीविज़न इंडोर है भाई, कहीं भी बैठ के अंदर देख सकते हैं, ट्रांजिट आउटडोर है, टेलीविज़न इंडोर है। डायरेक्ट मेल, मेल के द्वारा ही होगा। और पॉइंट ऑफ परचेज, पॉइंट ऑफ परचेज हैंगिंग्स है। ठीक है, हैंगिंग्स जैसे लटके हुए रहते हैं। ठीक है, ये एक एडवर्टाइजमेंट का है। ठीक है, इन पे इसकी क्या है, एडवर्टाइजिंग लिखी रहती है कि ये पॉइंट ऑफ परचेजिंग के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 222, निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है। भाई सीसी का यूज क्या है, सीसी का यूज समाचार पत्र में होता है। ठीक है, और ये एक मापन इकाई है, और किसमें है ये, समाचार पत्र विज्ञापन में, एडवर्टाइजिंग में। ठीक, कंपनी, प्रश्न नंबर 223, कंपनी का लोगो इसका। ठीक है, कंपनी का कोई भी कंपनी है उसका लोगो है। ठीक, वो लोगो क्या बताता है, वो लोगो बताता है कॉर्पोरेट की पहचान। ठीक है, किसी कंपनी का लोगो उसकी कॉर्पोरेट की पहचान होता है। कंपनी के लोगो के आधार पर ही मतलब सहज रूप से पहचान की जा सकती है कि इस कंपनी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 224, टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया, टीच इंडिया अभियान। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, मेल टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स। ठीक है, तो जो टीच इंडिया अभियान शुरू किया था वो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने शुरू किया था। ठीक है, टीच ऑफ इंडिया नामक यह पहल आकांक्षा फाउंडेशन, एक आकांक्षा फाउंडेशन था, गैर लाभकारी संगठन चलाने वाली शाहीन मिस्त्री की योजना है। ठीक है, आकांक्षा फाउंडेशन, और इस कार्यक्रम के तहत ही वंचित वर्ग के बच्चों के, जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि टीच इंडिया अभियान में
किसके लिए काम किया जाता है, वंचित वर्ग के बच्चों के उत्थान के लिए काम किया जाता है और टीच इंडिया अभियान किस समाचार पत्र ने शुरू किया, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया था और कौन सी फाउंडेशन थी जिससे इसकी पहल हुई थी, आकांक्षा फाउंडेशन थी और एक गैर लाभकारी संगठन था ये चलाने वाली और किसकी थी, शाहीन मिस्त्री की ये योजना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में भी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 225, निम्नलिखित में से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का रूप नहीं है, आउटडोर का बताना है, बिलबोर्ड ये आउटडोर है, ठीक है, कियोस्क भी आउटडोर है जो मैंने बताया था अपने पहले, उसमें एक मशीन होती है इसमें चलती रहती है, ठीक है ना, एटीएम लाइक एटीएम जैसी होती है, बस शेल्टर में भी ऊपर की साइड चलती रहती है, ठीक है, लाइनिंग एडवर्टाइजिंग की, मतलब कि ये अब ये वाला स्टेशन आएगा, ये स्टेशन आएगा ऐसे, ठीक है। और इसके बाद डैगलर है, डैगलर जो है ये बाह्य विज्ञापन का है, आउटडोर एडवर्टाइजिंग का नहीं है, और जबकि बिलबोर्ड, बस शेल्टर, कियोस्क ये क्या है, ये आउटडोर विज्ञापन है, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।